श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बशीर बद्र कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 22 जो सिंधिया खेमे के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बेवफा हो गए और कमलनाथ सरकार चली गई। ऐसे में यही विधायक और पूर्व मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं और अपने क्षेत्र में जाकर बस यही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ठीक व्यवहार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, क्षेत्रों का विकास नहीं होने दिया, इस वजह से हमने सत्ता छोड़ दी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के बिलहरा गांव से, जहां गोविंद सिंह राजपूत ने बिलहरा में नल जल योजना की नींव रखी, साथ ही कुछ सड़कों का भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने टाइगर जिंदा है इस सवाल पर कहा कि जंगल बहुत बड़ा है, शिवराज सिंह चौहान भी टाइगर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी टाइगर हैं। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आजकल टाइगर जिंदा है, भाजपा में एक साथ दो दो टाइगर हैं, एक शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन टाइगरों को लेके बवाल मचा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मीडिया ने सवाल किया कि आखिर शिवराज सिंह और सिंधिया में टाइगर कौन है, तो उनका जवाब था कि राजनीति का जंगल बड़ा है, इसमें दो दो टाइगर रह सकते हैं। यह बयान गोविंद सिंह राजपूत ने उस वक्त दिया जब वह सुर्खी विधानसभा के बिलहरा गांव में 4,50,00,000 की नल जल योजना के साथ राजघाट से मूरा बेरखेरी बिलहरा तक लागत 2,75,00,000, जबकि बिलहरा से चांदोनी तक 9,00,00,000 की सड़क के साथ बिलहरा खोरई थावरी से सुनवा माता तक 5,50,00,000 की सड़कों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इसलिए तो हमने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस में 15 महीने रहे, 15 महीने में कोई काम नहीं हो रहा था। जनता ने जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ हमें जिताया, अपेक्षा और उम्मीद के साथ है मंत्री बनाया, वो काम पूरे नहीं हो रहे थे। यही कारण लगा कि हम सारे लोगों को कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और मुझे 2 महीने हुए हैं और 2 महीनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 200 करोड़ के काम सुर्खी में दिए हैं। इसलिए मेरी जनता बहुत खुश है। सब ये कह रहे हैं कि अब अच्छा भाजपा में आ गए, अब भाजपा और विकास का चोली दमन का साथ है, अब सुर्खी में हर काम जो अधूरे पड़े हैं पूरे। एक सवाल हो रहा है, सिंधिया जी ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा, इसमें आप टाइगर किसे मानते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी को या सिंधिया जी? बहुत बड़ा जंगल है मध्य प्रदेश, दो टाइगर रहेंगे। यह इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातें हैं। बिलेरा, सुर्खी, जैसी नगर, सीहोरा वो कस्बे हैं जो आज़ादी के बाद पानी को तरसते रहे। कई सरकारें आईं, कई चली गईं, लेकिन पानी की व्यवस्था इस क्षेत्र में हो न सकी। आज बिलहरा क्षेत्र में इस नल जल योजना के बाद कहा जा सकता है कि जनता की तकलीफों पर भाजपा सरकार और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का सही मलहम है। अगर ऐसी समस्याओं पर सरकार जनता की तकलीफें दूर करती रही तो यही एक नेता की लोकप्रियता का आधार होता है। बहरहाल करोड़ों की सौगात इस पिछड़े हुए क्षेत्र को मिली है, इसके बाद जनता में इन योजनाओं को लेके खुशी की लहर है। भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बिलहरा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।